विच इज बेटर टू बाय, हीरो ड्यूइट और होंडा ग्राजिया। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों गाड़ी जो आपके सामने दिख रही है, हीरो ड्यूइट VX मॉडल और होंडा ग्राजिया का डिलक्स मॉडल या फिर कोई लोअर मॉडल, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर होगी। जैसा आप स्पेसिफिकेशन स्कूटी में खोज रहे हैं, वो कौन सी स्कूटी में बेहतर मैच कर रही है, ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं तो इसका सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों गाड़ी में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है आगे के चक्के में। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वैसा ही सस्पेंशन होता है जैसा बाइक में आप देखते हैं, आप जानते भी होंगे अगर स्कूटी के बारे में आप जान रहे हैं। तो इसमें क्या फायदा क्या होता है, जब आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको जो ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा मिलता है, या फिर खराब रोड में चला रहे होते हैं तो भी आपको कंफर्ट जो है स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मिलता है। और इमरजेंसी ब्रेकिंग, अचानक कोई आ गया सामने तो ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी जो है वो डाउन टूवर्ड्स प्रेशराइज होती है, मतलब जमीन की तरफ जो है फोर्सली रुकती है, जिसके कारण गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है और गाड़ी का आपको जो कंफर्टेबल भी ज़्यादा होगा इमरजेंसी ब्रेकिंग में, आपकी गाड़ी हाथ में रहेगी, ठीक है। तो ये एक बात होगी कि सस्पेंशन में जो है आगे हुए में टेलीस्कोपिक दिया हुआ है, तो एक बेहतर चीज़ है। अब पीछे का सस्पेंशन का बात करें तो पीछे में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो होंडा ग्राजिया में आपको पीछे में स्प्रिंग थ्री स्टेप एडजस्टेबल रहेगा, लेकिन हीरो ड्यूइट में ऐसा नहीं है। तो दोनों ही आपको बेहतर है सस्पेंशन पीछे का अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ कंपेयर करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, मैंने फोटो जो पुरानी लगाई थी, लेकिन आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ कि साइलेंसर जो है हीरो ड्यूइट का, वो मोटरसाइकिल टाइप का साइलेंसर अपडेट कर दिया है। पहले वाला साइलेंसर जो था वो डब्बा टाइप, जो पहले सभी अभी स्कूटीज में आता है डब्बा टाइप, उस तरह का था, लेकिन उसके बाद जो है हीरो ड्यूइट VS4 मॉडल जब से लॉन्च की, तब से ये नए टाइप का साइलेंसर जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह का साइलेंसर वो लगा के भेजने लगी, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। अब ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो होंडा ग्राजिया में आगे वाले चक्के में डिलक्स मॉडल में डिस्क ब्रेक है, और डिलक्स मॉडल से नीचे स्टैंडर्ड मॉडल की तरफ बढ़िएगा तो डिस्क ब्रेक हट जाएगा, ठीक है। तो होंडा ग्राजिया में आगे में 12 चक्का है, लेकिन आपको हीरो ड्यूइट में आगे में आपको 10 इंच का चक्का है, ठीक है। 12 इंच का चक्का होंडा ग्राजिया में, हीरो में 10 इंच का चक्का है। आपको हीरो ड्यूइट में डिस्क ब्रेक फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं अभी VX मॉडल में, ठीक है, लेकिन होंडा ग्राजिया के लो मॉडल में बिना डिस्क ब्रेक का है, और हायर यानी डिलक्स मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक फैसिलिटी मिलेगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपको होंडा ग्राजिया में आगे का चक्का 12 इंच का है, तो फिर वही बात हो जाती है कि अगर ज़्यादा स्पीड में है, ज़्यादा आपको कंफर्ट के लिए 12 इंच का आगे का चक्का अगर थोड़ा बड़ा है तो वो बेहतर आपको काम करता है, ठीक है। तो दोनों में ही कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, हीरो इसको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम करता है और होंडा इसको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम करता है, मतलब पीछे का ब्रेक मारिएगा आगे पीछे दोनों चक्का में ब्रेक लगेगा, ठीक है, आगे में थोड़ा कम लगता है पीछे में हार्ड ब्रेक लगता है। तो ये चीज़ हो गया, इससे क्या होता है कि आप कम जो डिस्टेंस है ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम किया जा सकता है अगर दोनों ब्रेक एक साथ मारा जाए तो। अगर सिर्फ पीछे वाला ब्रेक मारिएगा या फिर सिर्फ आगे वाला ब्रेक मारिएगा तो स्किडिंग का चांसेस रहता है, तो इसलिए ये फंक्शन स्कूटीज में दिया गया है ताकि आप जो है बेहतर तरीके से ब्रेक मार सकें, क्योंकि स्कूटी का चक्का छोटा होता है, उसका स्किडिंग का जो है चांसेस जो है मोटरसाइकिल के मुकाबले 18 इंच 17 इंच के चक्का के मुकाबले 10 इंच 12 इंच के चक्का का ज़्यादा होता है स्किडिंग का चांसेस, इसलिए ऐसा दिया रहता है। और ये जरूरी भी है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है, पीछे में दोनों में ही, अगर पीछे के चक्का की बात करें तो पीछे के चक्के में दोनों में ही ड्रम ब्रेक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ड्रम ब्रेक फैसिलिटी तो सब में रहता ही है तो वो तो रहेगा ही। आगे लाइट की अगर बात करें तो हीरो ड्यूइट में हैलोजन बल्ब अभी अवेलेबल है, अभी नया भी लेने जाइएगा तो हैलोजन बल्ब मिलेगा। होंडा ग्राजी में आपको LED हेडलैम्प मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में जो है जब तक जब गाड़ी चलेगी तो दिन हो या रात हो आपका स्विच नहीं मिलेगा लाइट ऑफ करने को, लाइट ऑन ही रहेगी, ठीक है। अब ग्राजिया में टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको आगे की बॉडी फेस में दिया हुआ है, जबकि आपको हीरो ड्यूइट में देखिए तो हैंडल बार में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, जब आप होंडा ग्राजिया चलाइएगा और जब आप कॉर्नर्स पे जाइएगा तो होंडा ग्राजिया में आपको जो है कॉर्नर्स पे आप हैंडल मुड़ा के आप लाइट का डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हीरो ड्यूइट में आप हैंडल घुमा के लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। वैसे जब से जब बॉडी में दिया रहता है जब लाइट, तो उसका फोकसिंग जो है वो उसका ये विड्थ चौड़ा कर दिया रहता है, मतलब ज़्यादा दूरी तक फैलेगी, लंबाई में तो जितना जाएगी उतना ही जाएगी, लेकिन चौड़ाई में इसका जो विड्थ ज़्यादा फैलाया रहता है ताकि आप जब कहीं मोड़ रहे हो तो आपको दिखाई दे, लेकिन हैंडल में हेडलैम्प होना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि आप सुपर बाइक्स में देखते होंगे तो सुपर बाइक में फिक्स हेडलैम्प होता है,
कि आपको वो सीधा ही रहेगा, आपको जब तक गाड़ी मुड़ती नहीं है तब तक तो वो लाइट मुड़ेगा नहीं, ठीक है। आप हैंडिंग डायरेक्शन से लाइट को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी तरह इसमें भी दिया है। और आपको क्रूसियर बाइक्स में जो है वो हैंडिंग डायरेक्शन से लाइट चेंज होता है, तो उस तरह से किसी भी तरह, क्योंकि स्कूटी नॉर्मल लोकल रोड्स में गली मोहल्ले में चलाने की चीज़ होती है, तो लाइट्स अगर हैंडल बार में है तो बेहतर है। आगे की बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, तो हीरो डुएट में वही जैसे मैंने बताया, आगे में पीछे में दोनों में 10 इंच का चक्का लगा हुआ है। होंडा ग्राजिया में आगे में 12 इंच का चक्का है, पीछे में 10 इंच का चक्का है। होंडा ग्राजिया एलॉय व्हील में अवेलेबल है, हीरो डुएट एलॉय व्हील में अवेलेबल नहीं है, रिम फ्रेम में अवेलेबल है, ठीक है। होंडा ग्राजिया में आप डिस्क ब्रेक मतलब डिलक्स वेरियंट से नीचे जाइएगा तो डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, तो उसे स्टैंडर्ड मॉडल में जाइएगा तो डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। तो ये ठीक ठीक है, लेकिन चक्का जो है वो 12 इंच का रहेगा। सीएट एमआरएफ दोनों ही जो है, आपको टायर जो है वो ट्यूबलेस टायर है, और दोनों ही आपको बेहतर ट्यूबलेस टायर मिलेगा इसमें, ठीक है। अब इंजन पे आते हैं, तो इंजन में होंडा ग्राजिया जो है 125 सीसी का इंजन है, लेकिन हीरो डुएट जो है 110 सीसी का इंजन है, ठीक है। दोनों सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन है। तो इंजन में जो जानने वाली बात ये है कि हीरो डुएट जब आप चलाइएगा तो आपको इनिशियल पिकअप मतलब शुरुआती पिकअप जो है वो होंडा ग्राजिया होंडा की इंजन्स के मुकाबले थोड़ा कम लगता है, शुरुआती पिकअप थोड़ा कम लगता है। उसके बाद आप जैसे ही 20-25 पार कीजिएगा आपको पिकअप जो है अच्छा मिलना शुरू होगा, लेकिन शुरू शुरू में जो है ये पिकअप थोड़ा आपको कम लगेगा, लेकिन होंडा की गाड़ी में स्टार्टिंग पिकअप आपको ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी होंडा ग्राजिया क्योंकि 15 सीसी ज़्यादा हैवी इंजन है हीरो ड्यूट के मुकाबले, तो इसलिए शायद होंडा ग्राजिया में पिकअप जो है ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, ठीक है। दोनों की टॉप स्पीड जो है 85 की है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो क्लियर करने का चीज़ है, इंजन के मामले में होंडा नामी इंजन है, हीरो भी नामी इंजन है, क्योंकि हीरो होंडा के साथ ही मिलकर पहले इंजन बनाता था। ये इंजन हीरो ड्यूट का वही इंजन नहीं है जो कि हीरो मैस्ट्रो में, थोड़ा सा इसका जो पावर में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। लेकिन होंडा ग्राजिया का ये वही इंजन है लगभग जो कि आपको एक्टिवा 125 में मिलता था। तो अगर आपने एक्टिवा 125 चलाया है तो आपको वही आपको व्हील बेस और वही आपको पिकअप मिलेगा होंडा ग्राजिया में भी। हीरो डेट आपने नहीं चलाया है तो हीरो डेट वगैरह चला के देख लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं हीरो डेट, तो दोनों को चला के देख लीजिए। इसमें माइलेज में थोड़ा डिफरेंस आता है जो कि मैं अगले स्टेप में आपको बता रहूंगा, ठीक है। तो हीरो डेट भी आपको 85 की स्पीड आसपास टच करती है 110 सीसी इंजन होने के बावजूद, और होंडा ग्राजिया भी 125 सीसी इंजन होने के बावजूद आपको जो है 85 का स्पीड ये भी टॉप स्पीड टच करती है, ठीक है। हीरो ड्यूट चलाने पे आपको क्या होगा, 50 के स्पीड के ऊपर जाने पे थोड़ा सा आवाज़ चेंज होता है। होंडा का भी गाड़ी में आप 50-55 के ऊपर जाइएगा तो थोड़ा सा आवाज़ इंजन में आवाज़ में आपको थोड़ा डिफर लगेगा, फिर 50 के अंदर आ जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब मैक्सिमम जो इकोनॉमी लेवल होता है 30 से 50, उसी के बीच में चलाने पर स्कूटी आपको बेहतर चलेगी, ज़्यादा दिन तक चलेगी और अच्छे साउंड को जो है बरकरार रख पाएगी। अब माइलेज पर आते हैं, तो माइलेज में होंडा ग्राजिया आपको 45 के आसपास माइलेज अभी एवरेज रोड पे दे रही है, जो भी व्यक्ति चला रहा है उससे बात बात करने पे मैंने चेक भी किया था, तो 45 के आसपास होंडा ग्राजिया माइलेज दे रही है। अब आपको ये 40 भी दे सकती है, 45 भी दे सकती है, आपके चलाने के अनुसार कैसे आप चलाते हैं। अगर वहीं हीरो ड्यूट की बात करें तो हीरो ड्यूट आपको भी 45 से 50 के आसपास माइलेज दे रही है, क्योंकि कई लोगों से मैंने 50 का भी माइलेज सुना है, जिसका जिनके आसपास कम गलियां होती हैं, जो अच्छे मतलब चलाने के बाद ही अच्छे स्पीड में चलाते हैं। तो उनके अच्छे स्पीड में कहने का क्या मतलब है कि वो उनके आसपास जो रोड है होता है वो खाली होता है, तो अगर आप बेहतर स्पीड में चलाइएगा मतलब आप वो काउंट एज अ हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। तो हाईवे ड्राइव पे क्या होता है कि आपका जो माइलेज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि 0 to 30 के स्पीड में माइलेज कम मिलता है और 30 to 50 के स्पीड में आपको बेहतर माइलेज मिलता है, क्योंकि वो इकोनॉमी लेवल हो जाता है, क्योंकि ये बेल्ट ड्राइव होता है। तो बेल्ट ड्राइव होता है तो आपको इसका डिटेल मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आप समझ पाइएगा ये कैसे ये फंक्शन काम करता है, जिसके कारण 0 to 30 0 to 25 आपको माइलेज कम मिलता है, जबकि 30 to 50 जो है आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलता है। ये कैसे होता है इसके बारे में वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी से। और इसके बाद क्या होता है, तो ये चीज़ है कुछ जो फैक्टर है जिसके कारण माइलेज कम होता है। तो हीरो ड्यूट आपको 45 से 50 का नॉर्मली एक मतलब वे में कहा जाए तो 45 से 50 का माइलेज दे रही है, तो होंडा आपको ग्राजिया 40 से 45 का माइलेज दे रही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपके हाथ में मान लीजिए आपको जो भी चलाने का हैबिट है, जो भी आप एरिया में चलाते हैं उस एरिया में अगर चलाते हैं, तो आप होंडा ग्राजिया आपको अगर मतलब हीरो ड्यूट अगर 45 से 50 का माइलेज दे रही है तो वहीं पर आप उसी एरिया में चलाइएगा होंडा ग्राजिया को, तो आपको 40 से 45 के बीच का माइलेज देगी, तो इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। आप डायमेंशन पे आते हैं, तो डायमेंशन होंडा ग्राजिया और हीरो ड्यूट का आप देख सकते हैं। लेंथ वाइज हीरो ड्यूट ज़्यादा लंबा है, विड्थ वाइज चौड़ाई में भी हीरो ड्यूट होंडा ग्राजिया के मुकाबले ज़्यादा चौड़ा है। हाइट वाइज आपको होंडा ग्राजिया का हाइट जो है, सीट हाइट जो है वो ज़्यादा ऊंचा है हीरो ड्यूट के मुकाबले, तो
व्हील बेस होंडा ग्राजिया का ज़्यादा अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है, तो इसमें बेटर कंफर्ट में अगर देखा जाए तो होंडा ग्राजिया आएगा, क्योंकि होंडा ग्राजिया का लोहा जो मेन बॉडी फ्रेम है वो लगभग होंडा एक्टिवा 125 का है, और होंडा एक्टिवा 125 का कंफर्ट सबसे बेहतर अभी स्कूटी में मैंने फील किया है। हीरो ड्यूट्स का भी कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको लॉन्ग टूर पे भी ले गया है, ज़्यादा थकान नहीं देता है, और होंडा ग्राजिया का भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि व्हील बेस जो है होंडा ग्राजिया का ज़्यादा है तो बिल्कुल ये आपको होंडा एक्टिवा 125 जैसा फीलिंग देगी, हीरो ड्यूट भी आपको अच्छा फीलिंग देगी। हीरो ड्यूट में यहाँ पर खास बात क्या जाती है कि हीरो ड्यूट आपको कर्व वेट जो है वो 116 kg का है, होंडा ग्राजिया का 107 kg का है, तो जब होंडा ग्राजिया चलाइएगा तो हल्का गाड़ी जो है हाई स्पीड्स में सपोर्ट नहीं करती, जबकि भारी गाड़ी हाई स्पीड्स में सपोर्ट करती है। तो अगर हाई स्पीड्स की बात की जाए तो हम मुझे जहाँ तक फील हुआ है तो हीरो ड्यूट आपको ज़्यादा कंफर्ट देगी, होंडा ग्राजिया आपको स्लो स्पीड लोअर रोड्स में जो है आपको ज़्यादा कंफर्ट देगी, तो दोनों का कंफर्टेबल लेवल अगर ओवरऑल कहा जाए तो बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही गाड़ी अच्छी कंपनी से बिलोंग करती है। अगर 0.17 के बाद जो बाकी पॉइंट्स बचे हैं जिसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें सेम जैसी होती है तो वो मैं बता देता हूँ, तो दोनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है लेकिन पोजिशन अलग अलग है। आपको हीरो ड्यूट में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपको डिक्की में मिलेगा जो सीट के अंडर सीट में मिलेगा, लेकिन आपको होंडा ग्राजिया में आपको मोबाइल चार्जिंग आगे हैंडल बार के नीचे जो फ्रेम होता है पैर रखने वाला उसके उसके फ्रेम में मिलेगा, ठीक है, जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे, तो उसको खोलिए आप उसी में मोबाइल चार्जिंग लगाइए और उसी में मोबाइल रख लीजिए, लेकिन उसके लिए सेफ्टी के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिक्की में रखते हैं तो आप ज़्यादा सेफ होते हैं चलाने के दौरान, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए था तो दोनों में कहीं भी दें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है दोनों में। अब ग्राजिया में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा, देख रहे हैं आप स्पीडोमीटर भी डिजिटल है, नीचे आपको फ्यूल फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर, ये सब भी जो है आपको किलोमीटर काउंट ये सब भी आपको डिजिटल में मिलेगा, वहीं आपको हीरो रेट में आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलेगा और बाकी फ्यूल मीटर, गैगन मीटर, आपको ट्रिप मीटर ये सब आपको डिजिटल में मिलेगा। वेट की जो मैंने बात बताई कि होंडा ग्राजिया आपको 107 kg का है लेकिन हीरो रेट आपको 116 kg का है, तो हीरो ड्यूट का हाइट ज़्यादा है होंडा ग्राजियो मुकाबले, ठीक है। अब दोनों में सेल्फ और किक फैसिलिटी अवेलेबल है, दोनों का अंडर सीट स्टोरेज साइज सेम है, दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगा, दोनों में आपको मेटल बॉडी नहीं मिलेगा, हीरो ड्यूट में आपको फुली मेटल बॉडी मिलेगा, लेकिन आपको होंडा ग्राजिया में आपको फाइबर प्लास्टिक बॉडी मिक्स मिलेगा जो कि आप इसके वेट को और घटाता है, वेट घटाने के लिए ये सब उपाय किए जाते हैं ताकि कम वेट वाले भी आदमी आराम से स्कूटी चला सके सिटीज़ में, तो सिटीज़ में लो वेट गाड़ी को चलाना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए 125 cc गाड़ी होने के बावजूद इसका वेट 107 kg रखा गया है, जबकि होंडा ड्यूट हीरो ड्यूट आपको 110 cc की गाड़ी होने के बावजूद इसका वेट 116 kg का है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.5 लीटर हीरो ड्यूट का है, 5.3 लीटर ग्राजिया का है, तो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब मेन जो चीज़ ये है कि हीरो ड्यूट में आपको फ्यूल फिलिंग सिस्टम एक्सटर्नल मिलता है, सीट के बाहर निकला हुआ आप बाहर से ही तेल भर सकते हैं, लेकिन आप होंडा ग्राजिया में आपको वही जो ट्रेडिशनल वे है आपको सीट को खोल के अंदर सीट में के नीचे टैंक का ढक्कन खोल के आपको तेल भरना पड़ता है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हीरो ड्यूट में जो है अंडर सीट तेल भरने का सिस्टम भले ही बाहर दे दिया लेकिन इसमें शिकायत ज़्यादा आ रहा है कि कुछ दिनों के यूज के बाद ही आपको वो टैंक ढक्कन जो है वो चाबी से ओपन नहीं होता, क्योंकि चाबी से ओपन करने का दिया है तो आगे से चाबी से ओपन नहीं होता है, कुछ दिक्कत होता है आपको उसको दबाना पड़ता है, तो ये शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हीरो को इसको फिक्स करने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करे कि आने वाली गाड़ियों में ये शिकायत ना आए, कोई भी अगर नया गाड़ी ले तो उसको फ्यूल का जो है ढक्कन का कोई प्रॉब्लम इस तरह का ना हो। अब चाबी की अगर बात करें तो दोनों में की फंक्शन एक जैसा ही है लगभग, लेकिन बस अंतर इतना हो जाता है कि आपको ग्राजिया में आपको सीट खोलने के बाद उसके, क्योंकि सीट तेल भरने का सिस्टम सीट के नीचे है तो सीट खोलने के बाद आपको तेल का ढक्कन खोल के तेल भराना पड़ता है, लेकिन हीरो ड्यूट में ऐसा नहीं करना पड़ता है, ऑन ऑफ लॉक और सीट ओपन जो है वो एक ही जगह से चाबी से ही आगे से हो जाता है दोनों ही गाड़ियों में, ठीक है। तो अब पॉइंट प्राइस पे आते हैं, तो दाम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो दाम में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा लगभग 10,000 का, तो हीरो ड्यूट VX मॉडल आपको जो है टॉप मॉडल वो लगभग 59,000 से यानी 59,000 से 60,000 तक आपके एरिया वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया वाइज आपको अब RTO ये सब चेंज होता है, तो वो आपको 2,000 2,500 का जो है डिफरेंस आप अलग अलग एरिया में आएगा, लेकिन ये लगभग लगभग लोएस्ट प्राइस से आपको इसे ऊपर पड़ेगा या फिर 2,000 नीचे तक पड़ेगा हीरो ड्यूट। वहीं आपको होंडा ग्राजिया का 3 मॉडल आता है,
तो होंडा ग्राजिया का जो डिलक्स मॉडल के बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर आप डिस्क ब्रेक छोड़ दीजिएगा तो आपको 68,000 में भी मिलेगा गाड़ी, और 65,000 में मिलेगा अगर आप एलॉय व्हील छोड़ दीजिएगा तो। लेकिन एलॉय व्हील का जो है ही से ज़्यादा गाड़ी आपको मिलेगा, आपको जो स्टैंडर्ड सबसे लोएस्ट मॉडल है बिना एलॉय व्हील वाला वो कम मिलेगा, और एलॉय व्हील लेना भी बेहतर है मेरे ख्याल से। तो 68,500 के आसपास आपको 125 cc होंडा ग्राजिया आएगी। वहीं हीरो डूएट VX मॉडल आपको 59,000 या फिर 60,000 के आसपास आपके पास आएगी। तो दोनों गाड़ियों में लगभग 10,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। अगर जो ऊपर के एसेसरीज लगाइएगा उसमें आपको 2,500 से 3,700, जिसके अंदर का आपको सीट कवर आता है, जो पैर रखते हैं मैट आता है, जो लेडीज स्टैंड आता है पैर रखने वाला फुट रेस्ट वो आता है, आपको ऊपर से अगर ऊपर वाला बॉडी लोहा का कवर लगाना चाहते हैं तो वो सब आता है। तो अलग अलग आता है, अलग अलग क्वालिटीज़ का जो आप लगा सकते हैं 2,500 से 3,700 तक का, ठीक है। तो इतना डिफरेंसेस ये, तो अब आप को देख लेना है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर होगी। सारे माने मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं इसमें, तो आप डिसाइड कीजिए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। इसमें माइलेज फैक्टर वाला बात मत भूलिएगा कि होंडा ग्राजी आपको अगर 40 का दे रही है तो हीरो डेट आपको 45 का देगी। इसमें एक और बात बोलना चाहूँगा कि गाड़ी वही लें जो आपका मन करे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी मोड़ी स्पेसिफिकेशन से अगर आप गाड़ी का अपना चॉइस चेंज कर देते हैं तो आप फिर संतुष्ट नहीं रहिएगा। तो आपको जो मन कर रहा है वही गाड़ी लीजिए, थोड़ा मोड़ा स्पेसिफिकेशन का अंतर से गाड़ी को जो है चेंज मत कीजिए लेना, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।